हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलबर्गा हेडलाइंस। इतिहास चौक हगारगा रोड पर एडवोकेट जियाउल्लाह और मिर्जा फहीम बेग के साथ कई मुस्लिम नौजवानों ने बीजेपी ज्वाइन कर उमेश यादव को लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट करने का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद जियाल हुसैन है, मैं एडवोकेट हूँ इधर गुलबर्गा बार एसोसिएशन में। आज जो है तमाम हालातों को देखते हुए गुलबर्गा के डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से जो है आज मुझे जो है बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा इस बार, तहे दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ और लोगों से आवाम से भी गुजारिश है कि इस बार बदलाव लाइए, बिल्कुल ज़रूरी है, वरना जो है आपको लीडर्स जो है यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए बिल्कुल भी जाना, आप अगर उम्मीद रख के कुछ करेंगे तो ये लीडर्स आपके सिर्फ ओपनिंग में फंक्शंस में टाइम वहाँ पे जाके रिबन काटने का काम करना इनके लिए ज़रूरी हो चुका है। आवाम की तकलीफ़ क्या है, आवाम को क्या देखना चाहिए, आवाम के मसले मसाइल क्या हैं, ये तमाम चीज़ों पर बजाय गौर फिक्रमंद होने के बजाय जो है ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी से मोहब्बत करते हैं। इन्हें जो है आवाम का लीडर नहीं बोला जाता। लीडर क्वालिटी जो है उमेश यादव सर जैसी होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बीजेपी का जो आप लोगों के दिल दिमाग में आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बीजेपी आने से जो है ना दंगे होंगे, वो होंगे और बेवकूफ लोग बोलते हैं गोज बनूंगा, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल पार्टी है। आप कैंडिडेट को देख के जो है एक बार मौका दे के दीजिए। ये 30 साल 40 साल में जो बदलाव नहीं हुआ, इंशाल्लाह जो है बीजेपी उमेश यादव साहब जीतने के बाद जो है आप लोग बिल्कुल उनसे काम ले सकते हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसके लिए मैं जो है ना पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ इस शाम में हम सब जमा हो गए, हमारे मिर्जा साहब और मोहम्मद जियाउल्लाह एडवोकेट साहब और हमारे नज़ीर साहब और जो भी तमाम साथियों सबको मेरा सलाम। आज हम मतलब हम एक्चुअल सही देखे तो हमारे एमएलए साहब चिंचोली के एमएलए थे, वहाँ पे बहुत काम किए हैं वहाँ पे और हम है ना सबको वहाँ किसी का भी ये नहीं किए, सबको एक सोशल इसमें लाए सेक्युलर बोल के सबको। और वहाँ कुछ वजह से एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी एक अच्छा काम करने के लिए और तरक्की करने के लिए बोल दो 40 साल से एक ही इसमें आ रहे से कुछ गुलबर्गे में ज़्यादा तरक्की नहीं हुई और है ना हमारे यंग बच्चों के लिए नौकरी के लिए ऐसे कुछ अलग अलग प्लान करके एक गुलबर्गे को एक अलग दिशा बताने के लिए गुलबर्गे में कांटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। उसके लिए मैं हम यहाँ अभी उन्होंने आने वाले थे, कुछ वजह से घाणगापुर में काम रहने की वजह से उन्होंने नहीं आए यहाँ पे, आज नहीं आ सके, उसके लिए हम उनकी वजह से हम आए हैं। उसके लिए मैं और एक बार सबको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एक पार्टी को आप इतना इससे बुला के आप सब हमको मान सम्मान दिए हैं, उसके लिए हम आप सबका शुक्रगुजार है। और आप एक बार चुन के लाने के बाद देखिए हम आपके लिए कैसा काम करेंगे। क्यों बोलो तो ये अभी आप चिंचोली में है ना 40% 45% माइनॉरिटी के लोग आई हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी के लिए बहुत से काम किए हैं और यहाँ पे एक बार आप चुन के लाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत यहाँ पे यंग और हमारे वकील साहब है, हमारे मिर्जा साहब है और जेडी सब यंग लोग हैं, आप देखिए एक बार चेंज करके देखो कैसे आप लोगों को हम काम करेंगे। और कभी भी आप 24 घंटा कभी भी आप हमको बुलाए तो हम आपको साथ रहेंगे और आपको स्पंदन करेंगे। और इस ये जो 40 साल में जो चेंजेस नहीं हुआ वो जितना हो सके 24 घंटा में 18 घंटा का सब लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए काम करके हम बताएंगे बोल के मैं सबको मैं वे और एक बार माइनॉरिटी वोट ज्यादा है। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी के यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उमेश यादव सेकुलर हो सकते हैं लेकिन बीजेपी पार्टी सेकुलर नहीं है, इस बेसिस पर लोग सोच रहे हैं बीजेपी पार्टी को वोट करने, उनको क्या मैसेज देना? हाँ नहीं, देखिए अभी ऐसा लोगों में क्या है, अभी तुम्हें देखो नकवी साहब है हमारे और अब का लास्ट इसमें भी देखो बीजेपी में मैं तुम्हारे वीडियो क्लिप्स है मेरे पास, यूपी में भी लोग कैसे लोग माइनॉरिटी के लोग है ना पूरे यूपी में बोले हम ये बार फिर बीजेपी सरकार लाएंगे, हम उनसे लोग चुप हमको डराए कांग्रेस वाले
माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोल के डरा कि हम लोगों को कुछ नहीं किए, लेकिन हमको इधर पूरा बहुत किसी को ये नहीं हुआ हमारे 5 साल के सहिस में, और ये सरकार में जो 4.5 साल जो अभी मोदी सरकार की है उसमें हमको कहीं भी कुछ नहीं हुआ। छोटा मोटा जो कश्मीर में छोड़ के हमारे यूपी में और कहीं भी बिहार कहीं भी झगड़े गिगड़े दंगा मस्ती कुछ नहीं हुए, बहुत इससे लेके गए बोल के आप भी देख सकते हैं। मैं वीडियो क्लिप भी बताता हूँ मैं आपको उसके लिए। ये पार्टी अभी वो पहले था लेकिन अभी है ना सब सेकुलर के इसमें ही आ रहे सब लोग अभी है, अभी आप देख सकते हैं। देख के जरूर आप पार्टी के ये भी देख के आप काम देख के ये कर सकते हैं, जज कर सकते हैं।